जनरली ये देखा गया है कि आपकी जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है उनमें अगर जल्दी बुआई के बाद भी ईयर हेड या बाली जल्दी निकल जाती है, लेकिन उनके साइड के टिलरों में वो कंपनसेट कर देती है, तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। और ज्यादातर जितनी भी लॉन्ग अवधि की किस्में हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ ग्रेन्स है या दानों की संख्या है वो ज्यादा नहीं घटती बाली ज्यादा आने से। दूसरा, बहुत सारे किसान भाइयों की एक समस्या है कि ज्यादातर हर्बिसाइड की जब भी या खरपतवार रोधी दवाइयों का जब छिड़काव करते हैं तो कुछ हर्बिसाइड के अंदर उनके ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होने के बाद गेहूं के अंदर पीलापन आ जाता है, तो वो पीलापन से वरी करते हैं कि भाई कहीं हमारे यहाँ पीला रतुआ तो नहीं आ गया। वो पीला रतुआ और पीलापन में बहुत अंतर है। पीला रतुआ पाउडर की जैसा नजर आएगा और पीलापन सिंपली उसके अंदर आप ऊपर से रब करोगे तो कोई चीज उतरेगी नहीं, वो सिर्फ पत्ते पीले दिखाई देंगे। तो मैं उनसे सुझाव दूंगा कि भाई वो जब भी अपनी खरपतवार रोधी का एप्लीकेशन करें तो जो पूरे एकड़ की फॉर्मुलेशन बनाए उसमें 500 ग्राम के आसपास यूरिया मिक्स कर ले। और फिर भी अगर जो समस्या का समाधान ना हो तो आजकल बाजार के अंदर सीवीड यानी जो खरपतवार समुद्र में पैदा होती है उनका एक्सट्रैक्ट डिफरेंट कंपनी नेम ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसे बायोवीटा है, सागरिका है या अलग अलग नाम है। वो उस फॉर्मुलेशन को लेके और एक एकड़ में उनकी रिकमेंडेड डोज के हिसाब से छिड़काव कर दें। तीसरा, जो मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर रेजिस्टेंट फ्लेरिस माइनर यानी जो फ्लेरिस माइनर आपके हर्बिसाइड के स्प्रे से भी कंट्रोल नहीं हो रही, ज्यादातर ये हर्बिसाइड प्री एमरजेंस है। प्री एमरजेंस का मतलब ये कि वो रिकमेंडेशन उनकी ये है कि आपके जमुआर से पहले उस खरपतवार का छिड़काव कर सकते हैं। कुछ उनमें से जो प्री एमरजेंस हर्बिसाइड है वो अर्ली ग्रोथ पे यानी 10 या 15 दिन की क्रॉप हुई है तब तक ही छिड़काव कर सकते हैं या 17-18 दिन तक ही, उसके बाद जब भी उनका छिड़काव करेंगे तो क्रॉप में नुकसान होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और गेहूं के अंदर अगर जो इन दिनों आपकी ग्रोथ ऊपर नहीं हो रही है तो जनरली उसमें फुटाव होता रहता है, तो और वो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एकदम से वो क्रॉप उठ के आएगी, तो इतना ज्यादा नुकसान जनरली होता नहीं। देखिए, गेहूं की सिंचाई के लिए जो एक एस्टेब्लिश नॉर्म है, जो हमारी रिकमेंडेशन है, बहुत दिनों से चली आ रही है, जिसके लिए हम कहते हैं कि भाई आपने पहली सिंचाई जनरली CRI क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पे देनी चाहिए जो जनरली 20 से 22 दिन के आसपास आती है। आप अगर जो उन एरिया के अंदर हैं जिसके अंदर आपको लॉजिंग की समस्या है तो पहले पानी को थोड़ा डिले कर दीजिए ताकि रूट की ग्रोथ अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। उसका एक और फायदा होता है, जनरली वो एरिया भी जहां पे सडनली टेम्परेचर राइज करके आपको अप्रैल के महीने में या मार्च के एंड के अंदर क्रॉप के अंदर जोर जबरदस्ती क्रॉप को जो टेम्परेचर का राइज है वो आपको क्रॉप को फोस्ट मैच्योर कर देता है, तो उस एरिया के अंदर भी जनरली आपको जब पहला पानी डिले करोगे तो उसकी अच्छी रूट की वजह से वो जो सेटबैक लगता है फोस्ट मैच्योरिटी का वो नहीं लगेगा। और जनरल ये रहता है कि इतने ज्यादा पानी के जो हम 6-6 इरिगेशन वीट में चले जाते हैं इसकी जरूरत नहीं होती। अगर आप इसको 6 से 5 या 4 प्लानिंग करके करें तो यानी जैसे फर्स्ट इरिगेशन आप 27-28 दिन पे कर दीजिए, दूसरी इरिगेशन भी आप उतने ही पीरियड के अंदर, क्योंकि दूसरी इरिगेशन के टाइम तो टेम्परेचर और ज्यादा गिर जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा 5 या 7 दिन बढ़ा सकते हैं। हाँ, आखिरी 2 इरिगेशन के अंदर टाइम गैप आप 20 दिन से कम रख सकते हैं या 20 दिन के आसपास का टाइम गैप रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप रिक्वायरमेंट। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्यादा इरिगेशन का गेहूं में इतना ज्यादा फायदा नहीं है जितनी हमने अजम्पशन मान रखी है, उसको आसानी से 1 या 2 इरिगेशन आप कट कर सकते हैं। हमारे पास एक ये इशू आता है कि भाई जब आपका ज्यादा बायोमास इकट्ठा कर लेती है क्रॉप तो उसमें लॉजिंग की समस्या के चांसेस रहते हैं, और इस टाइम अगर उस क्रॉप के अंदर जनरली जब आपकी 50 दिन के आसपास की क्रॉप है और आपने पहले टाइम से बुआई की हुई है यानी 1 नवंबर के आसपास या अक्टूबर के एंड में, वो उसमें अच्छा बायोमास और लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है, तो जनरली उसके अंदर जो पहली गांठ आती है जो बिल्कुल जड़ के ऊपर आती है पहली गांठ स्टेम की, तो उस स्टेम की गांठ को देख के आप उसमें एक कट लगा सकते हैं। एक कट, उस कट को आप फोडर के तौर पे यूज कर सकते हैं। जनरली उस कट से आपकी प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर तकरीबन आपकी 70 से 100 क्विंटल के आसपास ग्रीन फोडर की यील्ड आ जाती है।
तो पहले आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे थोड़ा आप अपनी जो भी क्रॉप है जिसके अंदर 45 से 50 दिन की क्रॉप हुई है और जो लॉन्ग अवधि की किस्में बोई है, जैसे आपकी HD 3226 है या HD 2967 है या हमारी HD CSW 18 है, तो इन इनके अंदर आप एक ग्रीन फोडर का कट ले सकते हैं। जैसे कि इस खेत में मैं दिखा रहा हूँ, ये हमने तकरीबन आपकी ये हमारी 28 अक्टूबर की सोइंग थी और इसके अंदर हमने 4 दिन पहले कट लिया है ये, और 4 दिन के कट के ऊपर हमारा तकरीबन 70 से 100 क्विंटल के बीच के अंदर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें ग्रीन फोडर का कट मिला है। ये ग्रीन फोडर की कीमत तकरीबन 150 से लेके 200 रुपए तक का मार्केट प्रति क्विंटल का रेट है, तो आप आसानी से 15 से 20 हजार रुपए का मुनाफा भी ले सकते हैं, या जिनके पास छोटी जोत है वो अपने पशुओं के लिए चारे में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।